आप किस तरीके से प्रिपरेशन किया? तो मैंने इन पे थोड़ा कम फोकस रखा। बच्चों का एक ये सबसे बड़ा डाउट होता है, उनको क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। प्रैक्टिस मेनली फोकस ज्यादा रखती है। इसके लिए क्या करें क्योंकि नंबर भी इंक्रीज हो जाए और डिमोटिवेट भी ना। अपना सिलेबस कम्प्लीट करना पड़ेगा, सबसे जरूरी तो वो है। दोनों क्या एक साथ में कवर कर सकता हूँ? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। आज ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि SSC JEE 2024 में CPWD में एक अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं हर्ष दहिया, जिन्होंने SSC JEE 2023 में 8th रैंक गेन किया। तो कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो यहाँ पर आपका CPWD में सिलेक्शन हुआ। जी सर। तो CPWD में आप एक बार बताइए बच्चों को कितनी रैंक थी आपकी? सर मेरी 8th रैंक आई है। 8th रैंक? जी सर। सर ये 8th रैंक आपकी आई है तो आप थोड़ा सा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन किया? आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ जो बच्चों के ही डाउट्स होंगे जनरली, कि आपकी स्ट्रेटजी रही थी, टाइम टेबल आपका क्या रहा था, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा फोर्स दिया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स कितने थे? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ये डाउट होते हैं कि सर CBT 1 और CBT 2 दोनों क्या एक साथ में कवर कर सकता हूँ? आप किस तरीके से हैंडल किए थे? तो वन बाई वन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला आपसे क्वेश्चन ये है, पहले तो आप बच्चों को ये बता दीजिए कि आपके CBT 1 और CBT 2 में कितने मार्क्स थे SSC JEE 2023 में? सर मेरे CBT 1 में 141 मार्क्स थे और CBT 2 में मेरे अभी फाइनल आंसर की तो आई नहीं है लेकिन अभी 233 मार्क्स हैं जो प्री फाइनल आंसर की उसके हिसाब से। ओके, तो जो आपका प्री में नंबर थे 141, टेक्निकल में कितने थे आपके? टेक्निकल में 75 और GS में? GS में सर मेरे 22 मार्क्स हैं। 22 और रीजनिंग? रीजनिंग में 41। बहुत अच्छा। तो आपने सब कुछ ये GS और रीजनिंग कैसे तैयार किया था? सर टेक्निकल के कंपैरिजन में तो मैंने इन पे थोड़ा कम फोकस रखा लेकिन 100 मार्क्स का है ये भी तो 2 घंटे के आसपास मैंने इनके ऊपर फोकस रखा डेली का सर। ओके, तो रीजनिंग के लिए तो मैं प्रैक्टिस करता था, जैसे अड्डा के चैनल पे जो रीजनिंग की वीडियो होती थी 1 घंटे के टीचर के साथ मैंने वीडियो, जो सर क्वेश्चन करवाते थे 25 क्वेश्चन करवाते थे 20 करवाते थे तो साथ साथ में मैं उनके साथ करता था 1 घंटे की। तो बहुत बच्चों का एक ये सबसे बड़ा डाउट होता है, उनको क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। yes. तो स्पीड बूस्ट अप करने के लिए आपने क्या किया था? बच्चों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? सर रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस मेनली फोकस ज्यादा रखती है तो मैंने रीजनिंग के लिए क्वेश्चन लगाए ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा की। ओके, तो ठीक आपने प्रैक्टिस के द्वारा बताया। और GS के लिए आपने क्या किया था? GS के लिए सर मैं ऑनलाइन वीडियो देखता था करंट अफेयर्स की और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो है, जैसे इंजीनियर अड्डा के चैनल पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अभी सीरीज चल रही है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर की है वे मैंने किया आधे से 1 घंटा में डेली, लेकिन रेगुलर नहीं करता था। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी ज्यादा। करंट अफेयर जब आप पढ़ें तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसको डेली पढ़ना, मतलब उसका रिजल्ट आपको 3 से 4 महीने बाद दिखेगा। आप अभी पढ़ रहे हैं भूल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्सियस माइंड में प्रेजेंट होता रहता है, वहां स्टोर होता रहता है, ठीक ना। और इसके बाद 3 से 4 महीने बाद आपको अचानक से दिखेगा कि यार हमको ये भी आ रहा है ये भी आ रहा। तो उसके लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहिए GS डेली। तो अगला टाइम टेबल, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि आपकी 8वीं रैंक आई है तो बहुत बच्चों की ये जिज्ञासा होगी सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का? सर मेरा टाइम टेबल था, मैं 9 से 9:30 तक मैं लाइब्रेरी चला जाता था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। ओके ओके, तो वहीं पढ़ता था मैं तो 9 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था और 7:30 तक लाइब्रेरी रहता था, उसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता था ताकि आंखों को रिलैक्स हो जाए थोड़ा हम घूम फिर लें। और उसमें क्या रहता था, एक हाफ में तो मैं क्या करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था जो SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कितने ईयर के लगाए थे आपने? जो बुक आती है मैंने बुक ली हुई थी उसमें शायद 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो वो बुक मैंने 5 से 6 बार लगाई। उस बुक को मैंने क्या करा, पहले तो 1 बार कर लिया, फिर जब मैंने दूसरी बार की उस बुक को जो क्वेश्चन मैं थोड़ा से कन्फ्यूज हो रहा था उनको मैंने पेंसिल से सर्कल कर लिया, फिर 4 से 5 बार मैंने केवल जिन क्वेश्चन को मैंने सर्कल किया था उसकी रिवीजन की मैंने। okay. सभी की रिवीजन नहीं की क्योंकि वो तो मेरे को पहले से ही आते थे, उनके ऊपर इतना टाइम देने की मेरे को जरूरत थी नहीं उस, और वो तो मेरे नोट्स में वैसे भी थे, साथ साथ मैं नोट्स रिवाइज करता था, जैसे सुबह मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए 1 सब्जेक्ट के, शाम को 1 सब्जेक्ट मैंने रिवाइज कर लिया। तो मतलब यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया पॉइंट ऐड किया है कि जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाए तो 100 क्वेश्चन में हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए, उनको आपने पेंसिल से गोला कर दिया, क्योंकि जब फ्यूचर में आप पढ़ेंगे 10 से 15 दिन बाद
तो ये श्योर है कि वही 10 से 15 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, बाकी जो सही होने थे वो सही ही होंगे, लेकिन वहां पर आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपने टाइम को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख गए थे, जी सर, ठीक ना। और यहाँ पर आपके बहुत रिवीजन की भी बात आपने बताया, तो रिवीजन के लिए क्या अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? रिवीजन सर, एक तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे आपको 4 से 5 बार तो कम से कम करने ही पड़ेंगे, और जो आपके टीचर्स के नोट हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया, मैंने वे प्रिंट करके रखे हुए थे तो उन्हीं से मैं रिवाइज करता था। वे नोट्स में महीने में कम से कम 2 बार पूरी सिविल इंजीनियरिंग मेरी रिवाइज हो जाती थी। तो अगर मैं पिछले 7-8 महीने की बात करूं तो 20-25 बार मैंने पूरी सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल नोट्स थे रिवाइज हो गए थे मेरे 7-8 महीने में पूरा। हाँ, पूरे यानी हर महीने में 2 बार तो रिवाइज हो ही जाते थे। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसलिए बोला भी जाता है कि रिवीजन की है किसकी, सक्सेस। यस, रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस ना। ओके, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? स्ट्रेटजी सर मेरी, मेरा सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पे ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को BRO मिला था और मैं 1 मार्क्स से MES से रह गया था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से। तो मेरे को अपनी जो मिस्टेक्स मैंने पता करी, मैंने खुद एनालिसिस किया तो कुछ सब्जेक्ट मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, और एक चीज़ मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो सेकंड अटैम्प में जिसमें मेरी 8th रैंक आई है, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन पे ही रखा, चाहे मेरे को वो सब्जेक्ट कितने अच्छे से क्यों ना आता हो, मैं उसको रिवाइज जरूर करता था। हर 15-20 दिन में उस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कर लेता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करता रहता था। तो आपने रिवीजन भी काफी अच्छे से किया। हाँ। तो रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया, GS को बहुत अच्छे से हैंडल किया, PYQ को लगाया, आपने टेस्ट सीरीज भी दिया था? सर टेस्ट सीरीज मैंने टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, मैंने क्विज ज्यादा लगाई है। ओके। जो टेलीग्राम पे जैसे आजकल क्विज हो जाती है, काफी चैनल्स पे चलती है। अच्छा, बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि सर जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं नंबर कमाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें क्योंकि नंबर भी इंक्रीज हो जाए और डिमोटिवेट भी ना हो? सर टेस्ट सीरीज में फोकस हमको ये करना है कौन से सब्जेक्ट के हमारे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे मैं अपने बताऊं तो मेरे से स्टील के बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे, जैसे उसमें गर्डर वाला पार्ट है, गैंट्री गर्डर वगैरह का, तो जॉइंट्स वाला, वेल्डिंग वाला पार्ट है, तो उसको मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लिया। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप उसी टाइम रिवाइज कर लो, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं रिवाइज करो उनको और उनको लिख लो एक नोटबुक में। ओके, तो मतलब आपने भी स्ट्रेटजी बताया कि जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और आपके कम नंबर आ रहे हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यस, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, और आपको करना यह है कि आप ना सबसे पहले एक काम करिएगा कि जब आप कर रहे हो तो अगर वहां पर आपके जो भी कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हो तो उसको एक काम करिएगा, जैसे आपको कोई टेस्ट सीरीज दिए उसमें से आपको लग रहा कि BMC मेरे क्वेश्चन गलत हुए, BMC में पर्टिकुलर सीमेंट के क्वेश्चन गलत हुए, तो आप एक काम ये करिएगा सीमेंट जाकर दोबारा एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा जब आप सीमेंट दोबारा पढ़ लेंगे ना तो उससे आपका वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, जब आप अगला टेस्ट देंगे तो आपको दूसरी गलती समझ में आएगी, फिर वो गलती दूर करेंगे। इसी तरीके से हर टेस्ट में आप एक एक गलती भी अगर आप अपनी सुधारेंगे ना तो एज एग्जाम टाइम तक आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, जहां पर आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा आप लोगों को। तो और आप कभी कभार डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे? जी सर। तो कैसे डिमोटिवेट जब हो जाते हैं तो कैसे आप मोटिवेट रहे, क्योंकि तो आपका एक बार सिलेक्शन हो गया। जी सर। तो और इसके साथ मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, सर जॉब के साथ क्या CPWD में अच्छी रैंक हासिल किया जा सकता है? उसका उदाहरण आप है तो बताइए किस तरीके से बच्चों को आप गाइड करेंगे। सर डिमोटिवेट अगर आप हो रहे हो तो उसके लिए तो थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे साथ में ध्यान देना चाहिए, जैसे अगर आप जिम कर रहे हो या कोई स्पोर्ट खेल लो, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आप योगा कर लो ताकि माइंड में आपके नेगेटिव विचार थोड़े कम आए। तो मैं योगा भी करता था और जिम भी जाता था। okay. और जॉब के साथ तैयारी करने का तो ये है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, सबसे जरूरी तो वो है। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो सिलेक्शन का तो हम सोच ही नहीं सकते, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो मैं क्या करता था, जो सर PDF देते थे उन PDF को फ़ोन में डाउनलोड कर लेता था, वहाँ जो कंपनी का कंप्यूटर था उसमें भी थी मेरी, तो टाइम मिलता था मेरे को थोड़ा बहुत फ्री, तो या तो फ़ोन से पढ़ ली मैंने वो PDF, जैसे कल अगर सीमेंट पढ़ाया है तो आज फ़ोन से मैंने PDF से उसको रिवाइज कर लिया, तो साथ साथ मेरी रिविज़न जॉब के साथ होती रहती थी। तो और एक क्वेश्चन आपसे था, मतलब जैसे सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद दोनों में कितना डिफरेंस देख रहे हैं? सर एक कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है, हम
जिस चीज की तैयारी कर रहे थे डाउट में रहते हैं कि होगा नहीं होगा, और उसका एक काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है कि हमने अच्छे से तैयारी की। तो रिश्तेदारों भी आपके खूब चर्चे हो गए होंगे, इज्जत बढ़ गई होगी जी सर। बिल्कुल। तो अगला पड़ाव क्या है आपका अभी सर? मतलब अभी तो CPWD एक स्टार्टिंग पॉइंट था, अगला पड़ाव क्या है आपका? आगे सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की लिए सोच रहा हूँ तैयारी करने की। ओके, बहुत अच्छा है। तो आपसे और भी चीजें पूछना चाहूंगा बच्चों के रिगार्डिंग, तो टेस्ट सीरीज आपने बता दिया बच्चों के लिए, ठीक है ना? और आपके तरफ से कुछ गाइडेंस है बच्चों के लिए सर? आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि जो बच्चे अभी कॉलेज लाइफ में हैं जी सर, उनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि आफ्टर कॉलेज स्टार्ट करना चाहिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में? जो बच्चे अभी कॉलेज में है सेकंड थर्ड ईयर में, उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं तो SSC JEE के बारे में मेरे को कॉलेज में पता चल गया था। जैसे कॉलेज में मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं आता था तो मैं सर्च कर लेता था उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में, तो सर की भी वीडियो आ जाती थी तो उनको मैं देख लेता था, वहां से काफी हेल्पफुल हो जाती थी। हाँ, YouTube का सेशन में। हाँ, YouTube का जो सेशन है काफी हेल्पफुल हो जाता था। और वहीं से मतलब बेस बनता चला गया। अगर आप कॉलेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे 1 घंटा 2 घंटा तो बाद में आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा। तो मतलब कॉलेज वाले भी अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है फाइनली। तो आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, और बीच बीच में हर्ष दहिया जी ऐसे ही आते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू हर्ष, थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर। ओके, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे साथ हर्ष ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैंसर बताए हैं कि किस तरीके से आप लोग भी CPWD में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर।